तो आम बात है, पूरा पार्टी जब उनको बचाने पे लगा हुआ है तो महिलाओं को कहाँ आगे आने दिया जाएगा? स्मृति ईरानी कहाँ है? हमारे कपड़े फाड़े गए हैं, हमारे कपड़ों के अंदर हाथ डाला गया है हमें डिटेन करते समय, तो ये हो रहा है। दिल्ली पुलिस इस तरीके से कर रही है, गवर्नमेंट पूरी इम्प्यूनिटी दे रहा है कि वो पूरी इम्प्यूनिटी से बैठा हुआ है, उसको पूरी सिक्योरिटी दी गई है और यहाँ रेसलर्स इतने दिनों से बैठे हुए हैं और इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, लगातार प्रदर्शन जारी है और इन बेटियों को न्याय अभी तक नहीं मिला क्योंकि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने केस को रद्द कर दिया। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है। आप भी बेटी हैं, मैं भी बेटी हूँ, ये बैठी हैं जो भारत की बेटियाँ, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको न्याय में इतनी देरी क्यों? इसी के लिए हम यहाँ पे आज खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। मैम आप बताइए, आप अपना क्वेश्चन एक बार वापस रखो। जब ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं बेटियाँ, जब इनको न्याय में इतनी देरी हो रही है तो आम महिलाओं की दशा क्या होगी धरातल? बिल्कुल सही बात है, ये लोग तो फिर भी वो लोग हैं जो टेलीविजन जिनको कवर कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिनके साथ आज पार्टी का ही लोग, बीजेपी का ही लोग आके खड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, जिनको टेलीविजन न्यूज़ चैनल भी कवर नहीं करते, उनकी बात पहुँचती तक नहीं है। FIR दर्ज कराने में इनको समय लगा, बहुत किसी का FIR दर्ज भी नहीं होता है जब हरासमेंट असॉल्ट का केस आता है, तो हम देख सकते हैं जब इनको न्याय मिलने में इतनी देरी लग रही है तो क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित तो है ही नहीं देश, उनको न्याय जब ऐसे लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो और जो उत्पीड़ित हैं, जो और पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को कहाँ न्याय मिलेगा, उन लोगों को कौन न्याय देगा? ब्रजभूषण की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों? ऐसा क्या है ब्रजभूषण में? ब्रजभूषण है पार्टी का, बीजेपी का, वो गुंडा है, उसके कनेक्शन है बहुत सारे। जब टेलीविजन पे जब वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है कि बहुत ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स महिलाओं को लेके दे रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, तो है बिल्कुल उनको बचाया जा रहा है, उसको अगर नहीं बचाया जाता तो उसमें FIR दर्ज कर दी जाती। अभी कुछ दिन पहले ये ब्रजभूषण का बयान था कि अगर PM या गृह मंत्री बोल दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो वही PM या गृह मंत्री को बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए इस्तीफा देने के लिए, वो जिस तरीके का हरकत करा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद उसको इस्तीफा दे ही देना चाहिए, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई तक स्टार्ट नहीं करा जा रहा है। जब FIR दर्ज कराने में इतना समय लगा, ये लोग इतने महीने से यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं, तब जाके उनका FIR दर्ज हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद। क्या अगर मेरे साथ असॉल्ट होता है, मेरे साथ हरासमेंट होता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को बोलने की जरूरत पड़नी चाहिए कि FIR दर्ज कराया जाए? नहीं, बाय लॉ मेरा FIR दर्ज होगा, वो करना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन के अंदर, तो क्यों नहीं कराया गया? और अभी भी PM या किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि वो इस्तीफा दे, उसको इस्तीफा कानूनी कार्रवाई के बाद दे ही देना चाहिए। तमाम महिला नेता हैं BJP में, तमाम लोग हैं, लेकिन एक लोग भी सड़कों पे नहीं आई, ना तो एक ऑफिशियल ट्वीट आई है, इसको कैसे देखते हैं? अब उन्हीं के पार्टी का एक इंसान है जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं, तो आम बात है, पूरा पार्टी जब उनको बचाने पे लगा हुआ है तो महिलाओं को कहाँ आगे आने दिया जाएगा? स्मृति ईरानी कहाँ है? तो ये लोग जो बहुत बोलता है TV पर, ये लोग आज नहीं है क्योंकि पार्टी में बोलने का जगह ही नहीं है, इनको रखा हुआ है लेकिन कोई बोलने का जगह तो दिया नहीं है कि आप आके सड़क पे अपनी बात रख पाए या रेसलर के साथ बैठ पाए। जब TCW से आते हैं स्वाति मालीवाल तो उनको उठा दिया जाता है, तो क्या जिस तरीके से दिल्ली पुलिस भी तो BJP के अंदर आता है, जिस तरीके दिल्ली पुलिस ट्रीट कर रहा है इस चीज़ को, लोगों को यहाँ पे जो उनके समर्थन में बैठ रहे हैं, स्टूडेंट्स को जिनको इतने बुरी तरीके से वो डिटेन कर रहा है अपने कॉलेज से ही, उस स्पेस से, कैंपस के। अभी एक स्टूडेंट थी, उनका पैर भी टूट गया, इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई तो उनका पैर भी, वो बताई कि पुलिस वालों ने बदतमीजी की उनके साथ। हाँ, हम लोग भी थे प्रोटेस्ट में, जो RCLT में कैंपस में ये हो रहा था प्रोटेस्ट जिनके समर्थन में, तब वो प्रोटेस्ट स्टार्ट नहीं करने दिया, उसको मार्च के तौर पे हम लोग लेके जाने वाले थे, वो मार्च स्टार्ट नहीं करने दिया और हम लोग इतनी ब्रूटली ग्रोप कराए, हमारे कपड़े फाड़े गए हैं, हमारे कपड़ों के अंदर हाथ डाला गया है हमें डिटेन करते समय, तो ये हो रहा है। दिल्ली पुलिस इस तरीके से कर रही है कि जब तक ये अभी बहुत सारी महिलाएं आई हैं, रेसलर्स आए हैं आगे आके जिन्होंने टेस्टिमनी दी है, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े एलिगेशन है, इसको इस तरीके से नहीं रोक दिया जाएगा, इस तरीके से खत्म नहीं कर दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट मना कर दे। ये वो अगर FIR दर्ज करा रही है, वो केस आगे लेके जाना चाह रही है, तो आगे लेके जाया जाएगा।
हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे कि गोल्ड मेडलिस्ट की दशा इस तरह आ गई है कि वो जंतर मंतर पे बैठी हैं, तो आम महिलाओं की क्या दशा, हमारे साथ स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या लग रहा है, जब ये गोल्ड मेडलिस्ट जंतर मंतर पे बैठी है तो जो घरों में रहती हैं, जो गांव में रहती हैं, उनकी दशा क्या होगी? दशा सबकी बराबर है, अगर तुम औरत हो तो तुमने पाप कर दिया इस दुनिया में पैदा होकर। ये एक स्टूडेंट कह रही है। हाँ, एक स्टूडेंट और मैं भी, मुझे पता है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। अभी IPCW वाला इंसिडेंट देखा आप लोगों ने, क्या हुआ था, कुछ गुंडे दीवार फाड़ फान के वहाँ पे लड़कियों को हरास करके आए हैं और वही गुंडे आगे ब्रजभूषण बनते हैं जो और लोगों को हरास करते हैं, और गवर्नमेंट पूरी इम्प्यूनिटी दे रहा है कि वो पूरी इम्प्यूनिटी से बैठा हुआ है, उसको पूरी सिक्योरिटी दी गई है, और यहाँ रेसलर्स इतने दिनों से बैठे हुए हैं और इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि क्या होना चाहिए। और यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं तो मतलब बात बहुत साफ है कि कुछ गलत हुआ है और सरकार को एक्ट करना चाहिए इस पर। वही खेल मंत्री ने कहा, अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनको अब धरने से हट जाना चाहिए, और अगले ही दिन, दो ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस को रद्द कर दिए। ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, इसमें क्या बोलना है, ये सब मिली भगत है इन लोगों की। अपने लोगों को तो सपोर्ट करेंगे ही वो, और कोई सज़ा नहीं मिलनी, अगर मिलनी होती तो कब का एक्शन ले लिया होता, लेकिन ये मूवमेंट टूटने नहीं देना है जब तक कहीं रीच ना करे किसी कॉन्क्लूजन पे सरकार के साथ। क्या सरकार को डर लग रहा है कि इन बेटियों को न्याय मिल जाएगा, अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाएगी तो कई राज खुलेंगे? हाँ, और क्या, क्योंकि अभी ये कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर और भी लोग होंगे जिन्हें हरास किया गया है। तो देख सकते हैं हमारे साथ आयशा की स्टूडेंट थी, ये लोग तमाम मुद्दों पे निखर के बोलती हैं, और यहाँ बेटियों के लिए भी ये लोग आई हुई हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, लेकिन अभी इनको न्याय मिलता दिख नहीं रहा, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का रवैया सामने आया है आप देख सकते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।